राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ टूटी फ्रूटी का रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि तरबूज को हम खा लेंगे और छिलके को उतारने के बाद साइड में रख देंगे, और छिलका जो मैंने उतार के रखा हुआ है उसको भी हमें छीलना पड़ेगा। क्या बात है, छिलके को भी छीलना पड़ रहा है। अब हमें छिलके को बहुत ही मोटा मोटा नहीं छीलना है, इसी तरीके से मैंने छील दिया है पतला पतला। आप चाहें तो छिलनी से भी छील सकते हैं, और इस तरीके से छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस इसके हम काट लेंगे। टूटी फ्रूटी हम बना रहे हैं उसी तरीके से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। वैसे तो ये टूटी फ्रूटी पपीते का भी बनता है, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं इसे तरबूज से बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये तरबूज के छिलके से भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब हमें इसे बॉयल करना है, उसके लिए मैंने एक पैन में 2 गिलास पानी भर के रख दिया है, ये देखिए। और इसे हम ढक देंगे और पानी को बॉयल होने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी हमारा बॉयल होने लगा है, इसी में कटा हुआ तरबूज हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। जब तक हमारा तरबूज बॉयल हो रहा है तब तक चलिए हम सीरा बना लेते हैं। 1 कप कढ़ाई में पानी डाल दिया है मैंने, और 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी का हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, हमें इसे सिर्फ गलाना है। और चीनी जब हमारा गल जाएगा तब हम इसी में उबला हुआ तरबूज डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा तरबूज भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। और अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे तुरंत कढ़ाई में डाल देंगे। इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है, और कढ़ाई में डालकर इसे चला देंगे अच्छी तरह से। और अब कढ़ाई को ढक देंगे 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम कढ़ाई को खोलकर देख लेते हैं। और ये देखिए सीरा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4 बाउल ले लिया है, और तरबूज का हम 4 भाग करेंगे। चारों बाउल में थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। आपके पास फ्रेंड्स जो भी कलर हो आप इसमें डाल सकते हैं, हरा, पीला, लाल या सफ़ेद, कोई भी कलर हो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका नेचुरल कलर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चुकंदर को कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको अपने हाथों में लेकर इसका सारा रस निकाल देंगे, ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो एक कलर इसका भी बना सकते हैं। मैंने एक कलर ये लाल वाला चुकंदर से बनाया हुआ है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और आप एक कलर हल्दी डालकर भी बना सकते हैं, और चुकंदर वाले कलर को कढ़ाई में डालकर इसका सारा सीरा सुखा देंगे। बस 1 मिनट में इसका सारा सीरा सूख जाएगा, तब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए इसका चाशनी सूख गया है, और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और जो हमारा बाकी का 3 कलर है, मैं उसमें हरा, लाल और पीला कलर डालूंगी। आप चाहें तो पीले के जगह हल्दी भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए मैंने पीला कलर ले लिया है, हल्का सा ही डालेंगे और ये पीला हो जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल कलर, हल्का सा ही डालेंगे, ये देखिए ये लाल कलर हो गया। और चौथे में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा कलर, इसको मैं हरा कलर बनाने वाली हूँ। आपके पास कोई भी कलर हो, फूड कलर, आप डालकर बना सकते हैं। और इन सबको भी कढ़ाई में डालकर उसी तरीके से इसका भी सीरा थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, सीरे को सुखा देंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे 5 से 6 घंटे ऐसे ही रख दीजिए, और सुबह धूप में रख सकते हैं आप इसे 6 से 7 घंटे तक के लिए। धूप में भी ये अच्छी तरह से सूख जाता है, लेकिन मैं इसका सीरा कढ़ाई में ही सुखा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं इन चारों का सीरा मैंने कढ़ाई में डालने के बाद सुखा लिया है। और अब इसे एक डब्बे में भरकर इसको हम फ्रिज में रखेंगे।
फ्रिज में रखने से ये टूटी फ्रूटी खराब नहीं होते हैं। कोई भी कांच का जार आप ले लीजिए, उसमें भर दीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये 7 से 8 महीने तक भी खराब नहीं होंगे। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो, आप फ्रिज में से निकालिए, इस्तेमाल करिए और इसे वापस फ्रिज में रख दीजिए। बहुत ही आसान है ये टूटी फ्रूटी बनाना फ्रेंड्स। एक बार आप हमारे तरीके से इसे ज़रूर से बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।